हेलो एवरीवन, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे एवरेज का पार्ट थ्री। पार्ट थ्री में हम लोग सीखेंगे कि जो भी क्वेश्चन आपका रिप्लेस टाइप क्वेश्चन होगा उसको हम लोग करेंगे। ये जो सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, मान लो मैं 2020, ये 2020 इस तरह का मैं टोटल मान लो 10 ठो नंबर लिया। कितना? तो 10 नंबर लिया, 10 नंबर, ठीक है। अच्छा, तो 10 नंबर ऐड किया, तो इसको ऐड करने से आपका एवरेज क्या हुआ? यहाँ पर 10 ठो नंबर को एवरेज करूँगा तो मेरा कितना आएगा? 20। क्लियर? अच्छा, 20 को, मतलब 20 को 10 बार मल्टीप्लाई किया, 20 को 10 बार मल्टीप्लाई किया, यानी 20 × 10, एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका कितना? 10। ये 10 10 कैंसल, यानी ये आपका कितना रहा? 20। अब देखो, मैं समझाना चाहता हूँ। केस वन, पहला केस क्या करता हूँ देखिए। पहला केस में क्या करेंगे देखिए, मान लो जितना भी नंबर है, 20 ठो मतलब 10 ठो नंबर है, उसमें मैं जितना भी एवरेज है, इसका एवरेज कितना माना हूँ मैं? 20। मान लो मैं और एक नंबर माना जिसका एवरेज है, जिसका नंबर है, वो नंबर है कितना? 20। यानी मान लो ये 20, ये 20, ये 20, अप टू ये कितना हो गया? ये आपका 11 टाइम्स हो गया। मतलब 11 टाइम्स हो गया, मतलब यहाँ पर 20 कितना बार हुआ? मीन्स जो भी था उस एवरेज में आपका ऐड हुआ, कितना ऐड हुआ ना? 20 ऐड हुआ। मतलब एवरेज जितना उतना आप ऐड किए, डिवाइड बाय यहाँ पर आपका ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा? 10 + 1। यानी यहाँ पर आपका क्या देखे, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया? यानी यहाँ पर आपका 220 हो गया। टोटल कितना हो गया? 220। यहाँ पर इतना दूर तक का आपका वैल्यू कितना था? 200 था। एक नंबर आप लिए हो जिसका एवरेज भी वही क्या है? 20 है। मीन्स केस वन में इक्वल टू एवरेज लिए हैं, 8 नंबर किए हैं इक्वल टू एवरेज। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या? देखिए, 220 डिवाइडेड बाई 11, तो इधर कितना आया? 20। यानी यहाँ पर हम लोग क्या सीखे? कंक्लूजन हम लोग यहाँ पर ये सीखे कि कोई भी नंबर एवरेज के साथ बराबर होगा। सेम आज एवरेज यहाँ पर लिख देता हूँ। इफ यू आर सेम नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली सेम आज एवरेज, देन एवरेज वॉन्ट बी चेंज। समझ में आया? एवरेज वॉन्ट बी चेंज, ठीक है। मतलब यहाँ पर 10 ठो ऑब्जर्वेशन था, ठीक है। उसमें आप एक्स्ट्रा 20 ऐड किए, मीन्स सेम आज एवरेज आप ऐड किए, तो एवरेज आपका कुछ भी चेंज होगा नहीं। समझ में आया? एंड हम लोग अभी केस टू समझ रहे हैं। देखिए, केस टू में क्या करेंगे? ये आपका केस टू है। देखिए, मैं क्या किया, एवरेज के साथ मीन्स मैं ऐड किया, यहाँ पर लिख देता हूँ केस टू। केस टू में क्या कर रहे हैं ना? ग्रेटर देन एडिंग नंबर व्हिच इज ग्रेटर देन द एवरेज, ठीक है। ग्रेटर देन द एवरेज, मैं यहाँ पर आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप एवरेज आपका 20 था, उसी नंबर में आप एवरेज में एक एक्स्ट्रा नंबर ऐड किए जो एवरेज से ज़्यादा है, तो क्या होगा? देखिए सिचुएशन, यहाँ पर 20, ये 20, ये 20 अप टू कितना बार? 10 टाइम्स। ये 10 बार था, ठीक है। ये 10 टाइम्स था, इसमें भी 10 टाइम्स है, ठीक है। ये भी 20 अप टू 10 टाइम्स था, ठीक है। प्लस मैं मान लो एक नंबर ऐड कर दिया, कितना? 31। देखो, अब जब मैं 31 ऐड किया तो देखो मेरा क्या हुआ,
यहाँ पर एवरेज कितना हो जाएगा, 10 प्लस 1। यहाँ पर क्या हुआ देखिए, 200 प्लस 31 डिवाइड बाई 11 किए तो आपको मिला कितना, 21। कितना एवरेज हो गया, नया एवरेज 21। ठीक है, यहाँ पर मैं इतना बोलना चाहता हूँ, देखिए कंक्लूजन देखिए क्या करोगे आप एवरेज से कितना ज़्यादा लिए हो, एक ये आपका नंबर 31 है जो कि एवरेज से कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है। तो आप क्या करोगे, कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो 11 है वो 11 नंबर में आप बांट दोगे, यानी 11 डिवाइड बाई 11 ये कितना होगा, 1 ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 20 प्लस 1 21। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सीखने के लिए मिला कि एवरेज में आप ज़्यादा नंबर ऐड करोगे तो जितना नंबर आप ऐड करोगे मीन्स जितना आपका एक्स्ट्रा होगा उसी एक्स्ट्रा को आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ मतलब बांटोगे। तो ये 11 है, आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका 11 है, आप बांटोगे तो कितना होगा, 21 होगा, 20 प्लस 1 21, मतलब एवरेज में 1 बढ़ेगा। ठीक है, अब समझते हैं केस 3। केस 3 देखिए, ये जितना भी कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट सर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है ताकि क्वेश्चन आपका जल्दी हो सके। ठीक है, मान लो उसी 20 नंबर है, मतलब 20 10 टाइम्स है, कितना टाइम्स है, 20, ये आपका कुल मिला के 10 टाइम्स है। ठीक है, तो यहाँ पर आप मान लो एवरेज से कम आर किए, कितना कम आर किए हो, मान लो 9 आर किए हो, मतलब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ केस 3 क्या है। केस 3 में हम लोग देख रहे हैं कि एडिंग नंबर हुइच इज लेस देन द एग्जिस्टिंग एवरेज। ठीक है, आपका एग्जिस्टिंग एवरेज कितना है, 20 है। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए यहाँ पर आपका कितना हुआ, 200, क्योंकि 10 टाइम्स है तो 200 प्लस 9 डिवाइड बाय कितना ना 11। इसको आप जब ऐड करोगे ये आपका होगा 209/11। ठीक है, तो ये आपका होगा 11, ये 19 होगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझो मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए ये जो आपका वैल्यू था ना 200 जो वैल्यू था, ये एवरेज से यहाँ पर आपका एवरेज से कितना कम है, देखिए यहाँ पर 11 नंबर होता यानी क्या होना चाहिए, एवरेज से 20 है, एवरेज क्या है, 20 से पहला एवरेज कितना है, 20 है। अब 20 से जो नंबर आप लिए हो, 9 लिए हो, कितना कम है, 11 कम है, कितना कम है, 11 कम है। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ जब भी आप नंबर पुराने वाले मतलब एग्जिस्टिंग एवरेज के साथ ऐड कर रहे हो वो कम नंबर है, मतलब उसका एवरेज क्या है, मतलब एवरेज से वो नंबर कम है तो आपका वैल्यू कम होगा। समझ में आया, जैसे कि यहाँ पर कितना कम है, 11, ये एवरेज 11 जो कम है ये 11 नंबर में बटेगा। ठीक है, 11 नंबर में बटेगा, 11 नंबर में बटेगा यानी कितना कम होगा, 1 कम होगा, तो न्यू एवरेज आपका कितना हो जाएगा, तो न्यू एवरेज आपका पुराने एवरेज से 1 कम होगा। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट समझाया हूँ जब क्वेश्चन करेंगे तब आराम से आपको समझ में आएगा। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, समझ में आया होगा, चलिए क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या दिया है। देखिए, द एवरेज एज ऑफ सम स्टूडेंट इज 25, द एवरेज एज ऑफ सम स्टूडेंट इज 25। ठीक है, ए टीचर ज्वाइन देम एट द एज ऑफ 56.5 एंड द न्यू एवरेज एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट बिकम्स 26.5, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर। देखिए इस क्वेश्चन को मैं पहले मेथड 1 बेसिक में बताता हूँ, उसके बाद मैं किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए 3 तरीका होता है, एक होता है आपका बेसिक, ठीक है, 3 मेथड होता है आपका, एक बेसिक होता है, ठीक है, नेक्स्ट दूसरा मेथड है आपका डेविएशन मेथड, तीसरा मेथड आपका है एलिगेशन एंड एलिगेशन मेथड, ठीक है, मेथड ऑफ एलिगेशन। ठीक है,
एंड आप कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी कुछ क्वेश्चन को कम टाइम में कर सकते हो। ये चार क्वेश्चन को करने के लिए थ्री मतलब एवरेज क्वेश्चन को करने के लिए ये टोटल आपका चार मेथड है। कितना मेथड? चार मेथड, ठीक है। पहले मैं मेथड वन में आपको बेसिक में समझा रहा हूँ कैसे करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट दिया नहीं है, लेकिन एवरेज सम ऑफ स्टूडेंट दिया गया है कितना, एक्स। मैं मान लेता हूँ लेट टोटल स्टूडेंट कितने थे ना, एक्स। तो टोटल एज कितना हो जाएगा, टोटल एज हो जाएगा आपका, क्योंकि एवरेज 25 है तो टोटल एज कितना हो जाएगा, 25x। क्लियर। एंड क्वेश्चन में बोला है कि ये स्टूडेंट के साथ जब टीचर का एज ऐड होगा, टीचर का एज कितना है, 56.5, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 25x, ये टोटल एज ऑफ स्टूडेंट है, टोटल एज ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट के साथ जब टीचर का एज ऐड हुआ, टीचर का एज ऐड हुआ यानी 56.5 ऐड हुआ, ठीक है। देन द एवरेज एज ऑफ ऑल स्टूडेंट्स बिकम्स 26.5। तो स्टूडेंट का एवरेज एज कितना हो गया, क्योंकि एक्स प्लस वन आर इसीलिए किया, स्टूडेंट एक्स हैं, टीचर एक आर हुआ, तो इसी वजह से एवरेज कितना हो गया, 26.5 हुआ, ठीक है। पहले मैं बेसिक मेथड में बता रहा हूँ, उसके बाद डेविएशन मेथड में बताऊंगा, ठीक है। 25x प्लस 56.5 माइनस 26.5x माइनस 26.5 इज इक्वल टू कितना, जीरो, ठीक है। अब इधर से सॉल्व करते हैं, देखिए 25x माइनस 26.5x यानी 1.5x, कितना 1.5x, 1.5x, क्लियर। एंड इन दोनों को जब मैं माइनस करूंगा तो ये कितना हो गया, 30। तो x इज इक्वल टू 30/1.5, तो ये आपका हो गया कितना, 20। तो क्वेश्चन में पूछा था कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट मीन्स 20 स्टूडेंट, ये आपका मेथड वन में आ चुका है, ठीक है। अब देखो मैं मेथड टू में कर रहा हूँ इसी क्वेश्चन को, देखो कैसे करेंगे मेथड टू में। मेथड टू में आपको मैं डेविएशन मेथड में बता रहा हूँ, ठीक है। बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी आपका डेविएशन मेथड में कुछ चंद सेकंड में निकल सकता है। देखिए डेविएशन में निकाल रहा हूँ, देखिए टीचर का एवरेज एज कितना है, टीचर का एज कितना है, 56.5, ठीक है। एंड स्टूडेंट का एवरेज एज कितना, यहाँ पर थोड़ा जगह नहीं मिलेगा, यहाँ से करते हैं। देखिए टीचर का अब टोटल एज कितना है, 56.5, एंड स्टूडेंट का एज आने के बाद, टीचर के आने के बाद कितना हो चुका है, 26.5, देखिए 26.5, ठीक है। अच्छा इन दोनों के भीतर डिफरेंस कितना है, इन दोनों के भीतर डिफरेंस है कितना, 30 ईयर का, 30 ईयर का। मान लो अब क्या करेंगे, स्टूडेंट कितना है पता नहीं, मान लो एक्स नंबर ऑफ उनका, एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट का एवरेज कितना था, 25, क्लियर। अब क्या हुआ ना, एक स्टूडेंट थे और उनके साथ टीचर एक ऐड हुए, ठीक है। इसी वजह से रेशियो आपका मतलब आपका एवरेज कितना हो गया, 26.5 हुआ। तो ये जो 26.5 है, एवरेज मेंटेन करने के लिए 25 तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट का टोटल एवरेज एज है, यस और नो। एंड टीचर के वजह से 1.5 बढ़ा है, टीचर के वजह से कितना बढ़ा है, 1.5 बढ़ा है, ठीक है। ये जो 1.5 बढ़ा है एवरेज, वो मेन रीजन है, यहाँ पर टीचर का आने के बाद टोटल में बढ़ोतरी हुआ है 30 साल, ठीक है। ये जो 30 साल बढ़ा है यानी ये 1.5 हर टीचर एंड स्टूडेंट के भीतर बांट देंगे तो नंबर ऑफ आपका स्टूडेंट निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट का तो एवरेज वही होगा जो भी ज़्यादा हुआ है ड्यू टू द एडिशन ऑफ टीचर। देखिए कितना ज़्यादा है, 30, ठीक है। ये 30 बांटेंगे कितना में, 1.5 में, क्योंकि हर स्टूडेंट का 1.5 बढ़ा हुआ है एज, ठीक है। तो 30/1.5 ये आपका कितना हो जाएगा, 20, कितना हो जाएगा,
20। आई होप क्लियर समझ में आया होगा। तो ये आपका हुआ मेथड टू 20 स्टूडेंट। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं एलिगेशन के थ्रू में करता हूँ। देखिए एलिगेशन में बहुत जल्दी होगा। देखिए मेथड थ्री एलिगेशन में बता रहा हूँ। देखिए ठीक है, देखो एलिगेशन में पहला ये क्वेश्चन को करते हैं। कितने स्टूडेंट हैं, एवरेज स्टूडेंट का कितना है 25। ठीक है, टीचर का कितना 56.5। ठीक है, एंड टीचर एंड स्टूडेंट को मिला देने से एवरेज आपका कितना हो गया ना 26.5। इतना क्लियर। चलिए अब देखिए ये 26.5 है तो ये कितना आ गया आपका 30 और ये कितना आ गया आपका 1.5। तो यहाँ पर ये चीज़ समझना है कि 1.5 का वैल्यू एक टीचर, क्योंकि 1.5 जो भी वैल्यू आया है इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, लिखो या इसको लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 15, ये 20, छोटा करने से ये कितना हो जाएगा 20। क्लियर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये तो एक भाग टीचर होने से ये एक भाग टीचर है। ठीक है, तो 20 भाग आपका क्या है, आपका स्टूडेंट है, तो एक ही टीचर है। तो ये आपका आ गया आंसर कि नंबर ऑफ स्टूडेंट आपका कितना हो जाएगा 20। देखो इस क्वेश्चन को मैं तीन मेथड में किया हूँ, आप तीनों को समझने के लिए कोशिश करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। द 32 स्टूडेंट हैव सम एवरेज एज। ठीक है, पहले मैं मैथ बेसिक में बता रहा हूँ मेथड वन, उसके बाद एलिगेशन में बताएंगे। ठीक है, 30 स्टूडेंट हैव सम एवरेज एज, वन न्यू स्टूडेंट जॉइन देम एट द एज ऑफ 22 ईयर। तो मैं इसको मान लेता हूँ 30 स्टूडेंट हैव एवरेज एज कितना मान लेते हैं एक्स। ठीक है, अब देखो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल आपका होगा कितना 30 स्टूडेंट हैं तो टोटल आपका कितना हो जाएगा 30x होगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ ना एक नया स्टूडेंट ऐड हुआ। ठीक है, जिसका उम्र है कितना साल 22 साल। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा 30x प्लस 22, सो दैट एवरेज न्यू एवरेज एज इज डिक्रीज बाई 0.6। इसके वजह से ठीक है एवरेज पहले कितना था x था, तो डिक्रीज हो गया कितना x माइनस 0.6। क्लियर। तो यहाँ पर देखो ये 30x प्लस 22 माइनस 31x प्लस यहाँ पर देखो 31, ये 6 हो गया। ठीक है, एंड ये 6 3 6 18। ठीक है, यानी 18.6 इज इक्वल टू कितना 0। तो ये x का वैल्यू आपका कितना आया, x का वैल्यू आपका आया 40.6। x का वैल्यू कितना आया 40.6। क्लियर। एंड क्वेश्चन में पूछा कि फाइंड द न्यू एवरेज ऑफ 31 स्टूडेंट। न्यू एवरेज कितना होगा, न्यू एवरेज होगा ओल्ड एवरेज से एक कम। ठीक है, तो ओल्ड एवरेज आपका कितना है 40.6, उसमें से एक कम यानी 40। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में देखते हैं मेथड टू के हिसाब से, एलिगेशन में बता रहा हूँ। देखिए मेथड टू, देखो अब समझ में आएगा, मेथड टू में करने से भी समझ में आराम से आएगा। देखिए मेथड टू में कैसे करेंगे, स्टूडेंट कितने हैं पता नहीं। ठीक है, एंड न्यू स्टूडेंट का जो भी आया है, न्यू स्टूडेंट का एज यहां पर लिखते हैं, स्टूडेंट का एवरेज एज एक्स है मान लेते हैं, न्यू स्टूडेंट का एज कितना है 22। क्लियर, एंड आपका एवरेज एज में घटा है कितना 0.6। तो यहाँ पर
बीच वाला जो पॉइंट दिया है ये एक्स माइनस 0.6। क्लियर? पहले क्या होता है, कॉस्टलियर माइनस मीन, मीन्स यहाँ पर इसको मैं माइनस करूँगा, मीन्स एक्स माइनस 0.6, एक्स एक्स कैंसिल यानी 0.6। इतना क्लियर? अब देखो इसको इसके साथ माइनस किए हो, ये कॉस्टलियर माइनस मीन हुआ है, तो बाद में क्या करोगे आप, मीन माइनस चिपर, मीन माइनस चिपर यानी एक्स माइनस 0.6 माइनस कितना 22। तो ये आपका हो गया कितना, एक्स माइनस 22.6, एक्स माइनस 22.6। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो 0.6 है ये एक्चुअली एक रेशियो का वैल्यू है। कितना का रेशियो का वैल्यू है, एक रेशियो का वैल्यू है। ठीक है, क्लियर? इफ एक रेशियो का वैल्यू 0.6, चीज को थोड़ा समझो, इफ एक रेशियो का वैल्यू कितना 0.6, यानी यहां पर लिख देते हैं एक रेशियो का वैल्यू 0.6। क्लियर? एंड यहां पर आपका कितना वैल्यू आएगा, एक रेशियो का वैल्यू 0.6 है तो इधर आपका वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से दिया कितना है, यहाँ पर 18। ठीक है, यहाँ पर कितना लिखेंगे, 18। यहाँ पर एक रेशियो का वैल्यू 1 हुआ है तो इधर कितना आपका वैल्यू होगा, क्योंकि स्टूडेंट कितने हैं इधर 30 है, कितने हैं 30 है। ठीक है, इतना क्लियर? एक स्टूडेंट है तो यहाँ पर एक नया स्टूडेंट है तो 30 पुराने वाले स्टूडेंट है, ये ओल्ड स्टूडेंट थे। ठीक है, अब ये न्यू स्टूडेंट हुए। क्लियर? तो 30 स्टूडेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 30 × 0.6 = इधर कितना लिखेंगे, 18। ठीक है, यहाँ पर क्या ऐसा वैल्यू पुट करेंगे, चीज को थोड़ा समझो, इधर यहाँ पर ऐसा क्या वैल्यू पुट करेंगे ताकि इधर 18 आए। तो आप बोलोगे सर आप यहाँ पर 40.6 ऐड कीजिए, 40.6, तो एक्स का वैल्यू आपका आ चुका है कितना, 40.6। इतना क्लियर? ये एक्स का वैल्यू 40.6 आया तो इसका मतलब जो भी स्टूडेंट थे पहले उनका एवरेज था, ओल्ड एवरेज था उनका कितना, ये जो आया ये आपका एक्चुअली ओल्ड एवरेज था कितना, 40.6। अब न्यू एवरेज कितना हो जाएगा, ये जो 40.6 से कितना कम, 0.6 कम, यानी कितना लिखेंगे, 40। कितना लिखेंगे, 40। क्वेश्चन नंबर अभी 43 करते हैं, देखते हैं। द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 15 ईयर। ठीक है, 30 स्टूडेंट का एवरेज एज कितना है, एवरेज एज कितना है, 15 ईयर। ठीक है, अच्छा, ए स्टूडेंट ऑफ 20 ईयर लेफ्ट इन द क्लास, एक स्टूडेंट गया जिनका एज था कितना, 20 गया, यानी एवरेज में से, तो उसका एवरेज में से कितना ज़्यादा था, 5 ज़्यादा था। ठीक है, तो इस 5 को मैं रखता हूँ, बाकी के साथ एडजस्ट करेंगे। देखिए उसके बाद दिया है टू मोर स्टूडेंट हुज एज डिफरेंस वाज 5 ईयर जॉइन इन द क्लास इन द प्लेस ऑफ हिम। ठीक है, उनके जगह में 2 स्टूडेंट ऐड किए हैं। ठीक है, 2 स्टूडेंट ऐड हुए हैं। इफ द एवरेज एज ऑफ द क्लास स्टिल 15 ईयर, अभी भी एवरेज एज ऑफ द क्लास कितना है, 15 ईयर है, तो अभी दोनों आए तो दोनों आने के वजह से भी एवरेज कितना होना चाहिए, एवरेज सेम होना चाहिए, यानी 2 आदमी का जो 2 स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं उनका एज 15 तो होगा ही होगा, लेकिन 15 से एवरेज मेंटेन करने के लिए 5 ज़्यादा होगा, ये एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, 2 ईयर, ये 2 स्टूडेंट है एक्चुअली, ये क्या है, 2 स्टूडेंट का एज
टू स्टूडेंट का एज कितना होगा एवरेज मेंटेन करने के लिए? 15 तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ 5 ज़्यादा होगा। यानी आपको समझ में आ गया कि दोनों बच्चों का एज कुल मिला के कितना होना चाहिए? 35 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 35 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा 35 होना चाहिए। क्वेश्चन के हिसाब से बोला है एक लड़का दूसरे लड़के से 5 साल बड़ा है, यानी यहां पर मैं लिख सकता हूं 2x प्लस 5 का वैल्यू 35, यानी 2x मीन्स 13 मीन्स x इज इक्वल टू कितना 15। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द एज ऑफ द यंगर चाइल्ड, तो यंगर का कितना हो जाएगा? 15 होगा। कितना होगा? 15 होगा। ये मैं मेथड 1 डेविएशन में बताया हूँ। चलिए मैं मेथड 2 आपको जो बेसिक मेथड है उसको भी बता रहा हूँ। देखो बेसिक मेथड में पहले देखो कितने स्टूडेंट थे, 30 स्टूडेंट, उनका एवरेज कितना है 15, यानी कुल मिला के कितना हो जाना चाहिए? 450 हो जाना चाहिए। ठीक है, एक बच्चे का एज कितना साल? 20 साल, जो कि छोड़ दिया है, ठीक है, लेफ्ट किया है टीम को, तो एवरेज कितना हो जाएगा उसमें से? मतलब टोटल में से 20 कम होगा, यानी कितना होगा? 430 होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से अभी भी एज मतलब एवरेज एज चेंज हुआ नहीं है, मतलब उतना ही है 15। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये 430 प्लस जो नया दो स्टूडेंट ऐड हुए हैं एक दूसरे से 5 साल बड़ा है, डिवाइड बाय ये कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया 31। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 31 × 15, 15 × 30 होता तो 450 होता, ये कितना हो गया 465। ये 435 प्लस कितना 2x, क्लियर, तो ये आपका 30 इज इक्वल टू कितना 2x, तो x कितना हो गया आपका 15। ये जो 15 आया ये यंगर स्टूडेंट का एज है। ठीक है, ये आपका यंगर स्टूडेंट का एज है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 मींस ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 करते हैं। द एवरेज एज ऑफ 54 बॉयज इन ए क्लास इज 21 ईयर। 54 टू बॉयज का एवरेज एज कितना? 21 साल। ठीक है, इफ द लेक्चर एज इज इंक्लूडेड द एवरेज एज ऑफ द बॉयज एंड लेक्चर बिकम 21 ईयर 6 मंथ, 21 साल 6 महीना, तो क्या करेंगे? देखिए 6 महीना है, यानी 6 महीना को क्या लिखेंगे? हाफ ईयर, या फिर बोल सकते हो 0.5 ईयर। क्लियर, मतलब टीचर का एज इंक्लूड होने के कारण एवरेज आपका बढ़ा है कितना? 21.5 हुआ है। तो ठीक है, न्यू एवरेज आपका कितना हुआ है ना? 21.5। ये इसलिए हुआ क्योंकि टीचर का एज ऐड किया गया है। ठीक है, तो टीचर का एज कैसे मिलेगा? टीचर का एज मिलने के लिए आप नया एवरेज तो हो चुका है ऑलरेडी 21.5, ये 21.5 बढ़ा है किसके वजह से बढ़ा है ना? टीचर का एडिशन के, टीचर को इंक्लूड करने के वजह से बढ़ा है, हाँ कि नहीं? तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो 54 पहले बॉयज थे उसमें एवरेज से कितना बढ़ा है? एवरेज से 0.5 बढ़ा है, यस और नो? तो मैं क्या करूँगा, अभी का एवरेज में से ओल्ड मतलब टीचर का एज में से अभी का एवरेज में से कितना ऐड करूँगा? 54 × 0.5, तो ये कितना हो जाएगा? 21.5 प्लस ये 27, यानी 48.5, यानी 48 साल 6 महीना। कितना महीना? 48 साल 6 महीना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं। देयर आर 50 स्टूडेंट इन ए क्लास। कितने स्टूडेंट हैं? 50 स्टूडेंट हैं। ठीक है, देयर एवरेज वेट कितना? 45 kg, उनका एवरेज वेट है 45 kg। ठीक है, व्हेन वन स्टूडेंट लीव द क्लास द एवरेज वेट रिड्यूस बाय 100 ग्राम। ठीक है, तो देखिए जब एक स्टूडेंट गया तो उसके वजह से होल क्लास का 100 ग्राम कम हुआ है। ठीक है, इफ वन स्टूडेंट लेफ्ट ठीक है, देन
नंबर ऑफ स्टूडेंट रिमेनिंग कितने हैं? 49। ठीक है, ये 49 स्टूडेंट का, 49 स्टूडेंट, ईच 49 स्टूडेंट का वेट, ईच 49 स्टूडेंट वेट इज रिड्यूस्ड बाय, इज रिड्यूस्ड बाय कितना रिड्यूस हुआ है ना, 100 ग्राम रिड्यूस हुआ है। ठीक है, तो टोटल कितना रिड्यूस हो गया, 49 × 100 यानी 4.9 केजी टोटल कम हो गया है। यानी जो स्टूडेंट गया है वो एवरेज से कितना ज़्यादा होगा, 4.9 ज़्यादा होगा। तो स्टूडेंट लेफ्ट उनका वेट कितना होगा ना एवरेज से, एवरेज कितना है, पहले एवरेज 45 एवरेज है, ये 45 एवरेज से कितना ज़्यादा होगा, 4.9 ज़्यादा होगा। यानी टोटल वेट उसका कितना होगा, 49.9 केजी। ये इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, द एवरेज वेट ऑफ 8 बोट्समैन, ये बोट्समैन लिख दो, 8 बोट्समैन इन बोट इज इंक्रीज बाय हाफ केजी, इंक्रीज बाय हाफ केजी ऑफ द क्रू हु वेट 60 केजी इज रिप्लेस्ड बाय ए न्यू मैन। ठीक है, रिप्लेस्ड बाय ए न्यू मैन। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है, दिया है क्या, एवरेज बढ़ गया है कितना, 1.5 केजी बढ़ा है। क्यों बढ़ा है, क्योंकि एक आदमी का जिसका वेट है कितना, 60 केजी, उसके जगह में मतलब एक वन क्रू मैन 60 केजी रिप्लेस बाय ए न्यू मैन। ठीक है, एक आदमी का जिनका वेट था 60 केजी, उनके जगह में एक नया आदमी और ज्वाइन किए हैं। ठीक है, तो इसको लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला है, द एवरेज वेट ऑफ, द एवरेज वेट ऑफ 8 बोटमैन, 8 बोटमैन इज इंक्रीज्ड बाय 1.5 केजी। ठीक है, तो टोटल 8 आदमी हैं, तो कितना बढ़ जाएगा, टोटल कितना इंक्रीज होगा, टोटल 8 × 1.5 यानी 12 केजी मतलब बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये 12 केजी बढ़ा है, यानी जो आदमी आया है उनका 12 केजी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं वेट ऑफ न्यू मैन उनका कितना हो जाएगा, 12 केजी ज़्यादा होगा, यानी 60 + 12 कितना होगा, 72 केजी। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन एसएससी एलडीसी में गिरा था, लोअर डिवीजन क्लर्क। ठीक है, चलिए 47 देखते हैं। यहाँ पर देखिए, एवरेज एज ऑफ 8 मैन इज इंक्रीज्ड बाय 3 इयर्स, 8 आदमी का कितना साल बढ़ा है, 3 साल बढ़ा है, यानी कितना टोटल इंक्रीज हो गया है, 26 साल इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अच्छा, व्हेन टू ऑफ देम हुज एज आर 30 and 34 ईयर आर रिप्लेस्ड बाय 2 पर्सन, दो आदमी मतलब रिप्लेस हुए हैं जिनका एवरेज वेट, जिनका वेट कितना था, 30 and 34 था, उनके जगह में दो आदमी आए हैं। तो यहाँ पर बोल सकते हैं जो नया आए हैं उनका एवरेज बढ़ा है, तो न्यू पर्सन का वेट कितना हो जाएगा, न्यू टू पर्सन का वेट, ये इसमें से 24 ज़्यादा होना चाहिए, उसमें से 24 ज़्यादा होना चाहिए, उनके साथ साथ ये 30 और ये 34, टोटल कुल मिला के इनका एज, इनका वेट कितना था, पहले जिन लोग गए हैं उनका वेट था कितना, 30 और एक का कितना था, 34, मींस एक का 30 साल था, दूसरे का 34 साल था, एवरेज में 8 बढ़ोतरी हुआ है, यानी टोटल कुल मिला के 24 बढ़ा है। इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा कितना मिला मुझे, 30 30 60 60 2 80 80 यानी 84 80
चार 88, क्लियर? हाँ 88 कुल मिला के बड़ा है। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ टू पर्सन, ये दोनों का एवरेज वेट कितना है, तो एवरेज वेट आपका कितना हो जाएगा, ये दोनों का टोटल कुल मिला के 88 है तो एवरेज एज आपका हो जाएगा कितना, 44। कितना होगा, 44। आई होप समझ में आया होगा। इसी तरह का आपको आगे जाके इस तरह का मेथड में करना है क्वेश्चन, ठीक है। 48 देखिए, द एवरेज वेट ऑफ 15 बोट्समैन इज इंक्रीज बाय 1.6 केजी व्हेन वन क्रू हुज वेट एवरेज बढ़ा है कितना, 1.6 केजी बढ़ा है, हुज वेट इज 42 केजी इज रिप्लेस्ड बाय ए न्यू मैन। न्यू मैन, फाइंड द वेट ऑफ द न्यू मैन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में क्या कैसे करेंगे देखिए, 15 ठो आदमी थे टोटल, कितना ठो आदमी थे, 15 ठो आदमी, तो 15 ठो आदमी में का एवरेज कुल मिला के बढ़ा है कितना, 1.6, तो बढ़ा कितना टोटल, ये आपका 1.5, 15 × 1.5 ये कितना हुआ, 24। कितना हुआ, 24 टोटल बढ़ा है कितना, 24 kg बढ़ा है, ठीक है। एंड जो भी गए थे उनका वेट कितना था, 42। कितना था, 42, तो 42 में और कितना ज़्यादा होगा, 26 ज़्यादा होगा, यानी कितना होगा, 66 kg होगा। कितना केजी होगा, 66। देखो ये क्वेश्चन आपका सीजीएल 2015 मॉर्निंग सेशन में गिरा था, कितना होगा, 66। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या दिया है। आउट ऑफ 10 टीचर ऑफ ए स्कूल, वन टीचर रिटायर्ड एंड इन प्लेस ऑफ हिम ए न्यू टीचर 25 ईयर ओल्ड ज्वाइन, ठीक है। आउट ऑफ 10 टीचर, कितने टोटल टीचर हैं, 10 टीचर हैं। वन टीचर रिटायर, एक टीचर का रिटायर हुआ है, एंड इन प्लेस ऑफ हिम उनके जगह में एक नया टीचर ऐड हुए हैं जिनका उम्र है कितना, 25 साल, जिनका उम्र है कितना, 25 साल। एज ए रिजल्ट द एवरेज एज ऑफ टीचर इज रिड्यूस बाई 3 ईयर, इसी वजह से एवरेज में क्या हुआ है, कम हुआ है, कितना साल, 3 साल कम हुआ है, यानी पहले जो टीचर गए हैं जिनके जगह लिए हैं उनका कितना था, 25, कितना था, 25, एंड एवरेज आपका रिड्यूस कितना हुआ है, 3 हुआ है, यानी जो टीचर गए हैं रिटायर टीचर उनका उम्र कंफर्मली ज़्यादा होगा, तो मैं क्या करूँगा, हर टीचर का 3 3 साल कम हुआ है, यानी उनका 3 × 10 करेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के जो टीचर रिटायर हुए हैं उनका एज कितना हो जाएगा, 54 ईयर, 55 ईयर, देखिए 55 ईयर, समझ में आया है। देखिए मैं फिर से समझा रहा हूँ, देखिए क्या दिया है। आउट ऑफ 10 टीचर ऑफ ए स्कूल, 10 तो टीचर हैं, वन टीचर रिटायर एंड एक टीचर रिटायर हुए हैं उनके जगह में एक नया टीचर आया है जिनका उम्र कितना साल, 25 साल, ठीक है। इसी वजह से आज रिजल्ट सिंस एवरेज आपका कम रहा है तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे, क्या करोगे, ऐड करोगे रेशियो को, मतलब एवरेज को बैलेंस करने के लिए, मतलब मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हर टीचर का 3 3 साल कम हो रहा है, तो 10 टीचर का कितना कम हो रहा है, टोटल कुल मिला के 30 कम हो रहा है, यानी 55, यानी 55 ईयर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। द एवरेज एज ऑफ 8 पर्सन इज इंक्रीज बाई 2 ईयर, 8 आदमी का 2 2 साल बढ़ा है, क्यों बढ़ा है, व्हेन वन हुज एज इज 24 ईयर इज रिप्लेस्ड बाई ए न्यू पर्सन, यानी एक आदमी जिनका उम्र था 24 वो गए हैं उनके जगह में जो नया आदमी आए हैं, नया आदमी आए हैं इसी वजह से हर आदमी का 2 2 साल बढ़ा है, यानी 2 साल बढ़ा है, 8 आदमी का कितना साल बढ़ जाएगा, 8 साल बढ़ जाएगा, यानी कितना होगा कुल मिला के, 26 + 16 = 40 साल, कितना साल, 40 साल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या दिया है। द एवरेज एज ऑफ 8 मैन इज इंक्रीज बाई 2 ईयर, 8 आदमी का एवरेज कितना साल बढ़ा है, 2 साल बढ़ा है, ठीक है। अच्छा 8 आदमी का एवरेज कितना साल बढ़ा है, 2 साल बढ़ा है, क्यों, ना व्हेन टू ऑफ देम हुज एज इज 21 और 23 इज रिप्लेस्ड बाय 2 मैन, जो गए उनका एज कितना था कुल मिला के, 21 और 23, क्लियर, इतना क्लियर। एंड
जितना गए हैं उसके जगह में उतना ही आदमी ऐड हुए हैं, कोई भी आदमी चेंज नहीं हुआ है। यानी हर आदमी का दो दो साल बढ़ा है, तो 8 आदमी का कितना साल बढ़ जाएगा? टोटल कुल मिला के 16 बढ़ेगा, यानी 21 + 23 ये आपका हो गया 44। ये 8, 2 × 8 कितना? 16, यानी 60 ईयर। कितना? 60 ईयर। ये जो 60 ईयर बढ़ा है, ये 60 ईयर फॉर 2 पर्सन, फॉर 2 पर्सन, ठीक है? तो एवरेज आपका कितना हो जाएगा? एवरेज होगा 60/2, दैट मीन्स व्हाट? 30। तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा? 30। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर ऑफ ए क्रिकेट टीम इज इंक्रीज्ड बाय 2 मंथ। कितना मंथ बढ़ रहा है? 2 महीना बढ़ रहा है, ठीक है? व्हेन टू ऑफ देम एज 18 ईयर्स एंड 20 ईयर्स आर रिप्लेस्ड बाय न्यू प्लेयर, ठीक है? अच्छा, तो यहां पर देखना है कि 2 महीना कितना प्लेयर का? 11 प्लेयर का। तो कुल मिला के कितना ना? 22 मंथ। कितना मंथ? 22 मंथ। क्लियर? फिर से समझा रहा हूं, देखो। द एवरेज ऑफ 11 प्लेयर ऑफ ए क्रिकेट टीम इज इंक्रीज बाय, बढ़ा हुआ है कितना? 2 महीना बढ़ा है। 2 महीना तो 11 प्लेयर का कुल मिला के कितना बढ़ेगा? 22 मंथ बढ़ेगा। समझ में आ गया? एंड व्हेन टू ऑफ देम एज 18 साल 20 साल आर रिप्लेस्ड, जो भी गए हैं उनका उम्र कितना? 18 साल एंड 20 साल आर रिप्लेस्ड बाय टू न्यू प्लेयर। एवरेज बढ़ा है, तो पहले इनका कितना था एवरेज? 18, एक का था क्या था? 18, दूसरे का क्या था? 20। तो यहां पर 2 लिख दिए, क्योंकि एवरेज मिल जाएगा। ये कैलकुलेशन थोड़ा इजी करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। ये जो 22 मंथ टोटल बढ़ेगा, ठीक है, तो जो जो आए उनका कितना होगा? ये देखो, 18, 20, 38, 38/2 19 साल, एंड यहां पर 20/2 कितना महीना? 11 महीना। तो आपका आंसर होगा कितना? 19 साल 11 महीना, 19 साल 11 महीना, ठीक है? फिर से समझा रहा हूं, देखो। हर प्लेयर का एवरेज एज कितना बढ़ा है? 2 2 महीना बढ़ा है। तो 11 प्लेयर का कितना बढ़ जाएगा? 22 महीना, ठीक है? तो जो गए हैं उनका एवरेज कितना था? 18 + 20/2, ये उनका था एवरेज कितना? 19 था। अब जो नया आए उनके वजह से टोटल 22 मंथ बढ़ा है, यानी 22 मंथ 2 जन के भीतर बांटेंगे तो एवरेज कितना हो जाएगा दोनों का? 19 साल 11 महीना। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में दिया क्या है, देखिए। द एवरेज वेट ऑफ 6 स्टूडेंट, द एवरेज वेट ऑफ 6 स्टूडेंट इज 50 kg इफ 2 स्टूडेंट ऑफ एवरेज कितना दिया है? एंड अदर 2 स्टूडेंट, यहाँ पर अदर 2 स्टूडेंट होना चाहिए, देखिए यहाँ पर भी दिया है हिंदी में, तथा 2 और विद्यार्थी, मीन्स यहाँ पर 2 रहना चाहिए, ठीक है? तो देखो कैसे करेंगे। ये आपका आंसर 50 × कितना? द एवरेज वेट ऑफ 6 स्टूडेंट, यानी 50 × 6 प्लस इफ 2 स्टूडेंट ऑफ एवरेज कितना? 2 स्टूडेंट ऑफ एवरेज कितना? 51, यानी 51 × 2 प्लस एंड अदर स्टूडेंट हैव एवरेज कितना? 55, जो बाकी स्टूडेंट है उनका एवरेज कितना? 55, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है? 2, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हुए? 6, 2, 8, 2, 10। क्लियर? इनको आप ऐड करो, ये 300, ये 102, ये कितना हुआ? 110, डिवाइड बाय कितना? 10, ये आपका 410, ठीक है? 510, यानी 512 बाय 10 कितना हो गया? 51.2, 51.2। इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा कितना? 51.2। चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है? मान लेते हैं, देखिए, फ्रॉम ए क्लास ऑफ 24 बॉयज ए बॉय एज इज 20 ईयर्स, ठीक है? 24 टोटल स्टूडेंट हैं, उसमें से एक स्टूडेंट का जिसका उम्र कितना है? 10 साल, लीव द क्लास, ठीक है? वो छोड़ के गया, एंड उसके जगह में ए बॉय ज्वाइन किया, ठीक है? एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द एवरेज एज ऑफ द क्लास इज इंक्रीज बाय 2 मंथ, ठीक है? पहले मैं बेसिक के हिसाब से करता हूँ, ठीक है?
उसके बाद मैं शॉर्टकट दूंगा, मेथड वन। देखो बेसिक भी आपको आना चाहिए। मैं मान लेता हूं लेट द न्यू बॉयज एज इज, मान लेता हूं एक्स, ठीक है, एंड उसके साथ मानता हूं, मान लो लेट एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट इज वाई। तो टोटल अब टोटल एज कितना हो जाएगा 24 वाई। अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से मुझे जाना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से बोल क्या रहा है। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द एवरेज एज ऑफ द क्लास इज इंक्रीज्ड बाय 2 मंथ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अब देखो टोटल कुल मिला के एज कितना था 24 वाई, ठीक है। एक स्टूडेंट गया जिनका उम्र था कितना 10 साल, क्लियर। उनके जगह में एक नया बॉयज ज्वाइन किए हैं जिनका उम्र है कितना 1 साल माने हैं। तो एवरेज में आपका कितना बढ़ा है ना, एवरेज में बढ़ा है आपका 2 मंथ। 2 मंथ यानी यहां पर क्या लिखेंगे 24, एवरेज में बढ़ा है, पहले एवरेज कितना था वाई, उस एवरेज में बढ़ा है 2/12 यानी 1/6 बढ़ा है, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करता हूं, देखिए ये 24 वाई माइनस 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू ये 2 ये 12 यानी 6, क्लियर। यहां पर लिख सकता हूं 24 वाई प्लस, देखो 24/1/6 यानी 4। यहां पर देखिए 24 वाई एंड 24 वाई कैंसल, क्लियर। तो ये आया आपका कितना एक्स इज इक्वल टू 14, एक्स इज इक्वल टू कितना 14। आई होप क्लियर। जो बच्चा गया जिसका उम्र था कितना 10 साल, उनके जगह में जो भी ऐड हुए हैं उनका उम्र कितना हो गया 14 साल 14 साल, ठीक है। एंड देखिए आप इसको मैं मेथड टू के हिसाब से बेसिक में कर रहा हूँ, बेसिक में कर चुका हूँ, अब मैं डेविएशन के हिसाब से करता हूँ, ठीक है। जिसको थोड़ा समझो, कितना तो बॉयज गए हैं, कितना तो बॉयज पहले थे 24 बॉयज थे, ठीक है। हर बॉयज का कितना कितना मंथ बढ़ा है, दो दो महीना बढ़ा है, यानी 2 महीना बढ़ा है, यानी हर स्टूडेंट का में दो दो महीना बढ़ा है, यानी टोटल कुल मिला के कितना साल बढ़ा है ना 4 साल बढ़ा है, कुल मिला के 4 साल बढ़ा है, ठीक है। इसी वजह से एवरेज में 2 महीना बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जो स्टूडेंट गए हैं, जो ये 4 ईयर एक्स्ट्रा आया है, जो भी स्टूडेंट आए हैं, ठीक है, तो न्यू स्टूडेंट का जो एज होगा, न्यू स्टूडेंट का जो भी एज होगा, जो लड़का गया उसके साथ और 4 एक्स्ट्रा होगा, यानी कितना उम्र होगा 14 साल होगा, ठीक है। कितना साल होगा 14 ईयर। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक किया करो, कमेंट किया करो, सब्सक्राइब करो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ Part 4 ऑफ एवरेज चैप्टर, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।